भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। गुस्सा आता है, थोड़ा बैठ, रुको, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, थोड़ा सा रुकते जाओ तो जीवन तुम्हारा धर्म में अपने आप हो जाएगा। ज्यादा टेंशन मत लो, ज्यादा लंबे व्रत उपास का सोचोगे ना तो डिप्रेशन में चले जाओगे। मेरा क्या होगा, मेरा अगला भव कैसा होगा, मेरा यहाँ तो लिखा है त्रियंचे नारक भव कभी जिन भक्त को मिलता नहीं। जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है उसको त्रियंचे और नरक गति की प्राप्ति नहीं होती। बोलो आप जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं या नहीं हैं? बोलो, हो ना। तू नरक क्यों जाओगे, पशु गति में क्यों जाओगे? मैं तो जिनेंद्र भगवान का भक्त हूं, मैं कैसे जाऊंगा नरक में? जाएंगे वो जो जिनेंद्र भगवान के भक्त नहीं है, हम तो इनके भक्त हैं, ये हमें कभी भी नरक जाने। बस इतना विश्वास रख के छोटी छोटी तपस्याएं करो, तनाव नहीं। तो कई लोग भविष्य के अगले भव के टेंशन में ये वाला भव सत्यानाश करते रहते हैं। ध्यान रखिए, इस भव को शांति से जियो, आपका जीवन सार्थक बनेगा। छोटे छोटे तप करो, ये किताबों में पुस्तकों में जो लिखे हैं उन पे श्रद्धा करो कि हे भगवान ऐसा हम भी कर पाए कभी। वो जब तक नहीं कर पा रहे हैं जो हमारे कार्य क्षेत्र अधिकार में है उतना हमको व्रत करना चाहिए। मन का तप, वचन का तप और काया का तप कर सकते। कठिन लगा धर्म की सरल है, सरल है। आप रोज तप करते हो या नहीं? मंदिर जाते हो रोज? हो गया तप। पूजा करते हो गया तप। अभिषेक देखते हो गया तप। अभिषेक करते हो गया। और कौन सा तप तपना है तुमको? विचार सोचिए। दान करते हो, करते हो गया तप। और क्या तप चाहिए? कोई बाबा जी थोड़ी बन जाओगे तुम, ग्रस्त हो ना। दान कर दिया ठीक है, इतना दान मत करो कि किराए के मकान में आ जाओ। समझ में आ रहा? और इतना भी मत जोड़ो कि नरक चले जाओ। ध्यान रखना, बैलेंस बना करके रखिए, सीमित बैलेंस। कोई दिक्कत नहीं, कोई नरक नहीं जाएगा, मैं पुलक सागर गारंटी लेता हूं। यदि तुमने सच्चे दिल से देव शास्त्र गुरु की भक्ति कर ली, दुनिया की कोई ताकत तुमको नरक भेजने में कारण, कोई नरक नहीं जा सकता है। हे भगवान, तुम्हारा भक्त भी नरक जाएगा फिर स्वर्ग में कौन जाएगा? फिर दुनिया में ध्यान रखना, तुम्हारा भक्त कैसे नरक जा सकता है? इतना आत्मविश्वास जिस दिन जगेगा उस दिन आपकी अरहंत भगवान पर श्रद्धा पैदा हो जाएगी। ध्यान रखना, तुमको अपने पर ही विश्वास नहीं है कि मेरा क्या होगा। सोचते हैं अगला जन्म कैसे होगा, भविष्य कैसे होगा, ज्योतिषाचार बता दो क्या लिखा है। अरे जिसके हाथ साथ में जिनेंद्र भगवान है उसका आज भी स्वर्ग है, उसका कल भी स्वर्ग होगा, आने वाली पूरी जिंदगी उसकी स्वर्ग होगी। क्यों? हमारे पास तो हीरा है ना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ध्यान रखना, ये रत्न पाकर के आदमी सोचता है नरक जाऊंगा। जिनेंद्र भगवान की शरण पाके भी नरक का ख्याल कर रहे हो तो फिर दुनिया में कोई तुम्हें नरक से बचाने वाला नहीं है। क्यों जाएंगे नरक? गर्भ से कहो, शान से कहो, जिन भक्त कभी नरक में जाता नहीं है। ध्यान रखना, कैसे जाएगा? जिनेंद्र भगवान का भक्त हूं, कैसे मेरा अहित होगा? मैं देव शास्त्र गुरु की भक्ति करता हूं। हे भगवान, ये तुम्हारा भक्त दर्द में पीड़ा में कैसे रहेगा? ये कभी नहीं रह सकता है। ध्यान रखना, यही तो श्रद्धा है, यही सम्यक दर्शन है, यही तपश्चर्या है कि नहीं। दुनिया लाख तर्क दे दे, नहीं मैं जिन भक्त, अरे जिसकी गाड़ी का ड्राइवर जिनेंद्र भगवान हो उसका एक्सीडेंट कभी हो सकता है जिंदगी? कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। जिस अर्जुन के सारथी कृष्ण बन जाए, कौरव की अक्षौणी सेना भी परास्त हो जाए। अर्जुन ने यही तो कहा था कि मुझे कृष्ण तुम्हारी सेना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, आप मिलोगे तो सेना की जरूरत नहीं। कृष्ण ने कहा मैं निहत्था रहूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। अरे कोई बात नहीं, हमारा कन्हैया भी तो हथियार नहीं उठाया है ना, वह भी तो हाथों पे हाथ रखा है। लेकिन जिस दल में ये खड़े हो जाएंगे दुनिया में कोई उसे परास्त
नहीं कर सकता है, ध्यान रखना। ऐसे तीर्थंकर के वंश में पैदा होकर रात दिन नरक का सोचते हो, क्यों जाएंगे नरक? कोई जैन नरक नहीं जाता है, ध्यान रखना। हम तो जैन कुल में जन्मे, अभिमान करो रे, ध्यान रखना। क्यों जाएंगे? तुम्हें अपने भगवान पे इतना विश्वास नहीं? अंतिम बात क्या के समाप्त करता हूं। एक नाव थी, जहाज था। पति पत्नी शादी करके उस जहाज में जा रहे थे, अचानक तूफान आ गया। उस जहाज में बहुत से लोग बैठे थे, मुसलमान बैठे थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह हमें बचाओ। ईसाई ने कहा जीसस हमारी रक्षा करो। हिंदुओं ने कहा राम कृष्ण हमारी रक्षा करो। और भी जैनी बैठे थे बोले नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, आवाज लगाने लगे। शादी होकर अभी दूल्हा दुल्हन आए थे, तो उस पत्नी ने भी कहा कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो। जो पति था ना दूल्हा, वो कुछ नहीं कर रहा था। पत्नी ने देखा कि जहाज में हर बैठा व्यक्ति भगवान से बचाने की पुकार कर रहा है, और ये मेरा मर्द जिससे मैंने शादी की, ये भगवान का नाम नहीं ले रहा है। उसने जाकर के कहा कि पागल नास्तिक है क्या तू? बोले क्या? बोले तूफानों से जहाज घिरा हुआ है, मृत्यु सामने है, बोल भगवान से कि हमारी रक्षा करे। पति ने मालूम है क्या किया? अपने बाजू में लगी दूल्हे की कटार निकाली और पत्नी के गले में लगा दी। बोले वो मारे या ना मारे, मैं तुझे मारता हूं, बोल भगवान से कि तू बचाए, भगवान तेरा बचाने आएगा, मैं तेरी हत्या करता हूं। पत्नी ने कटार में धीरे से हाथ हटाया और कहा मैं इसके लिए भगवान को नहीं बुलाऊंगी। बोले क्यों? बोले मुझे विश्वास है कि मेरा पति मुझे मार नहीं सकता। तो उसने कहा पगली मुझे भी विश्वास है, मेरा परमात्मा मुझे मार नहीं सकता। जब मेरा विश्वास इतना अटूट है कि पागल है ये, वही लोग चिल्ला रहे हैं रक्षा करो जिन्हें विश्वास नहीं है, मुझे तो रक्षा करना, मुझे विश्वास है मेरा भगवान मुझे डूबने, डूबो जात हो नेक निहार निकाल। विचार करिए, सोचिए, मैं क्यों कहूं भगवान से मेरे दुख हरो? ये जीवन का भार जब तुम्हें सौंप दिया है, अब रोज रोज क्यों कहते हो दुख दूर करो? क्यों दुख दूर रोज रोज क्यों कह रहे हैं मेरे भाई? कभी कभी रोज रोज कहने से डाउट पैदा हो जाता है। तुम मेरे पति, तुम मेरे पति, तुम मेरे पति, अरे है ना यार, क्या रोज रोज तुम मेरे पति, तुम मेरे पति। रोज पत्नी बोले सुबह उठ के तुम मेरे पति, मैं तुम्हारी पत्नी, तुम 365 दिन सुन पाओगे? तुम बोलो क्या बोलोगे? अरे है ना यार, क्या मेरे पति मेरे पति, तुझे विश्वास नहीं है क्या? तो फिर रोज दुखड़े क्यों रोते हो भगवान के पास? मेरा दुख मिटाओ, मेरा दुख मिटाओ। अरे अब सौंप दिया है जीवन का ये भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथ। भगवान आपका भक्त दुखी हो जाए ऐसा कभी होने वाला नहीं है, ध्यान रखना। मान्यवर इतनी श्रद्धा जो जगा लेता है, ये श्रद्धा भी एक तपश्चरण हुआ करती है। विश्वास नहीं है भगवान है ना कि नहीं है? बोलो, अभी भी आवाज नहीं निकल रही है, क्या मालूम होगा कि नहीं, क्या होगा? डाउट पैदा करते हो, डाउट को मिथ्यात बोला है, संशय मिथ्या। मुझे तो कोई संशय नहीं है। लोग बोले रहे कि ये महाराज मोक्ष नहीं जाएंगे, महाराज ऐसे महाराज वैसे, अरे दुनिया बोले तो बोले, मेरा भगवान नहीं बोल रहा है। मुझे तो विश्वास है कि मेरा अरिहंत मुझे इस जगत में भटकने नहीं देगा, ध्यान रखना। हमेशा मेरे, मैंने जीवन की गाड़ी का ड्राइवर तुम्हें बना लिया है, अब मेरा गाड़ी पलटना तो छोड़ो, इतना विश्वास रखो कि जिसकी जिंदगी के ड्राइवर भगवान बन जाते हैं वो गाड़ी पंचर भी नहीं हुआ करती है। ना उसे परमिट की जरूरत है, ना लाइसेंस की जरूरत है। हम बिना लाइसेंस के मोक्ष तक की यात्रा करेंगे, भगवान के सहारे, प्रभु नाम के सहारे, ध्यान रखना। इतनी श्रद्धा पैदा कर लो, पूजा पाठ उपास ये सब बात की चीजें हैं, पहले श्रद्धा होगी तो आपकी तपश्चर्या प्रारंभ। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। जय जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धनु सदा देत हो धो।
हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणाग है सो पावे।